नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्प्रे पोंड के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि पोंड क्या होता है। पोंड बेसिकली एक तरह का कंटेनर है, एक तरह का कलेक्टर है, जहां पे हम वाटर को कलेक्शन करते हैं उसका, जहां पे वाटर कलेक्ट करते हैं कूल वाटर और फिर उसको यूज करते हैं। अब कहां पे इसका यूज किया जाता है? हम इसको यूज करते हैं जहां पे वाटर कूल्ड कंडेंसर्स की जरूरत होती है, जहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो वाटर कूल्ड कंडेंसर्स की रहती है, जैसे कूलिंग टावर्स। तो कूलिंग टावर्स में हम यूज उनको वहां पे करते हैं जहां पे वाटर कूल्ड कंडेंसर्स की जरूरत होती है, तो वो भी कूल का फंक्शन करते हैं। तो सेम ऐसे ही जो स्प्रे पॉन्ड है वो भी कूलिंग का फंक्शन करते हैं, हॉट वाटर को कूल वाटर में कन्वर्ट करने का फंक्शन करते हैं। अब वो वाटर किस फॉर्म में आता है? हॉट वाटर। वो हॉट वाटर स्प्रे फॉर्म में यूज करके और हम वहां पे कूलिंग का फंक्शन करते हैं, मींस कूल वाटर क्रिएट करते हैं और फिर उसका कलेक्शन करते हैं। अब जो पॉन्ड टाइप है, ये जो स्प्रे पॉन्ड टाइप है, उसके मेन मेन कंपोनेंट्स को समझते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं इसमें। सबसे जो नीचे है वो होता है वाटर रिजर्वायर, एक तरह का पॉन्ड, एक तरह का वहां पे कलेक्टर, जहां पे पानी हमारा कलेक्ट होता है। अब ये जो वाटर रिजर्वायर है इसमें एक पंप लगा रहता है, यहां पे ये पंप मैकेनिकल टाइप पंप, और ये जो पंप है ये पंप उसको यहां से वाटर को पिक करता है, आगे फॉरवर्ड करता है। अब यहां पे ये क्वाइलें होती है, ये जो क्वाइल्स है ये एक इनसाइड है कंडेंसर के, मींस कंडेंसर है ये हमारा, वहां पे एक तरफ आता है वेपर्स और जो वो वेपर्स है वो एंट्री करते हैं कंप्रेसर की सहायता से, मींस जो कंप्रेसर होता है ये यहां पे पास करता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के वेपर्स। जब यहां से ये एंट्री करते हैं तो एग्जिट जब होगा तो वो लिक्विड में होगा। तो वो फंक्शन कौन करता है? वो फंक्शन यहां पे करते हैं वाटर्स, मींस एक तरह के वाटर कूल्ड कंडेंसर होते हैं। तो वाटर मेन मीडियम होता है उसको कन्वर्ट करने में, उस वेपर के रेफ्रिजरेंट को, जो रेफ्रिजरेंट है उनके वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने का। यहां पे ये हीडर होता है, इस हीडर पे ये लगे रहते हैं नोजल्स, जो नोजल्स हैं वहां से वाटर स्प्रे फॉर्म में निकलता है, मींस स्प्रे फॉर्म में इस तरह से यहां पे गिरता रहता है, जैसे कोई फवारा चल रहा हो तो इस तरह से यहां से वो गिरता है। तो ये तो थे इसके मेन मेन कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं हम इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। यहां पे जो रिजर्वायर है यहां पे वाटर का कलेक्शन होता है, जो कूल वाटर बनता है वो कूल वाटर किस तरह बनता है वो हम आगे बात करेंगे। यहां से ये पिक करता है मैकेनिकल पंप, इस वाटर को मैकेनिकल पंप यहां से पिक करता है और इस पाइप के थ्रू इसको फॉरवर्ड करता है, मींस कंडेंसर में से ये पास करता है। एट द सेम टाइम जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर वहां पे पिस्टन की सहायता से लो प्रेशर वेपर्स को, लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर्स को कंप्रेस करता है पिस्टन, और कंप्रेस करके यहां पे फॉरवर्ड कर देता है, इस वाटर कूल्ड कंडेंसर में फॉरवर्ड कर देता है। अब यहां से एंट्री होती है उन वेपर्स की, तो वो वेपर्स हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के होते हैं, तो यहां से पास होते हैं। जब पास होंगे तो सेम टाइम पे मैंने बताया हमने वाटर की यहां से एंट्री की हुई है, तो एंट्री की हुई है तो इसकी जो हीट होगी उन वेपर्स की जो कंप्लीट हीट होगी उसको ये वाटर की पाइप्स कैरी अवे करेंगी, मींस वाटर एक मीडियम जो उनको कूल वाटर उसको कैरी अवे करके ले जाएगा। तो वाटर भी कुछ गर्म होगा और उस वाटर की वजह से ये जो वेपर्स थे ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो जब एग्जिट होगा यहां कंडेंसर से और जब आगे जाके रिसीवर लाइन से रिसीवर में जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो यहां से वो हॉट वाटर जाएगा, हॉट वाटर जाएगा इन नोजल्स पे हीटर के थ्रू। अब जब नोजल्स पे जाएगा तो ये नोजल उसको स्प्रे करके फेंकेंगे, यहां से यूं स्प्रे करके फेंकेंगे। अब यहां पे प्रोसेस क्या होगा, ये एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे, जो यहां पे ड्रॉपलेट्स रहेंगी टीनी ड्रॉपलेट्स, जो स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे स्प्रे फॉर्म के, वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे। तो एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो इवेपोरेशन का स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जैसा हमने रेफ्रिजरेशन में पढ़ा है इवेपोरेशन ऑलवेज फील्स कूलिंग, इवेपोरेशन कोई भी चीज इवेपोरेट होती है
तो हमेशा वो कूलिंग का एहसास करती है। मान लीजिए हथेली पे हमने एक बूंद पानी की डाली, तो हमारा जो ब्लड होगा वो हीट को वहां पे लेगा, जो वाटर की हीट होगी वो उसको ले लेगा और हमारे पाम पे हथेली पे कूलिंग का एहसास होगा, तो वो इवेपरेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे भी इवेपरेशन प्रोसेस होगा और उस इवेपरेशन प्रोसेस की वजह से जो नीचे वाटर आएगा, जो ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आएगा, वो बिल्कुल कूल वाटर रहेगा। तो वो कूल वाटर फिर से रिसर्कुलेट करेंगे इस पंप के थ्रू और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये होता है स्प्रे पोंड। मेनली इसको स्प्रे पोंड को हम यूज करते हैं जहां पे वाटर की सेक्रेसी होती है, जहां पे पानी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, वहां पे हम स्प्रे पोंड्स को यूज करते हैं, क्योंकि वाटर कूल्ड कंडेंसर की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो वाटर की होती है और वो कंप्लीशन करते हैं हम स्प्रे पोंड के द्वारा बाई रिसर्कुलेशन प्रोसेस। तो ये था दोस्तों स्प्रे टाइप पोंड। थैंक यू दोस्तों।